हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे मिक्स वेज कढ़ाई। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है और इसे बनाना बहुत ही इजी है। तो आइए बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। तो यहाँ मैंने पहले सबसे पहले कढ़ाई मसाला बनाएंगे, जिसके लिए मैंने एक पैन में एक चम्मच लिया है धनिया, आधा चम्मच लेंगे हम ब्लैक पेपर और आधा चम्मच लेंगे हम ज़ीरा, थोड़ा सा गरम खड़ा गरम मसाला मिलाएंगे और 1/4 चम्मच हम डालेंगे सौंफ। 2 मिनट हम बिल्कुल ही लो फ्लेम पर इसे फ्राई करेंगे और 2 मिनट के बाद हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। उसके बाद जबकि हमारा कढ़ाई गरम है तो उसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच बेसन। गैस का फ्लेम बिल्कुल बंद रहना चाहिए, नहीं तो ये बेसन जल जाएगा। और 1 चम्मच डाल देंगे हम लाल मिर्च पाउडर, इससे जो है ये भी लाल मिर्च पाउडर भी भुना जाएगा, जिससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। इसके बाद इसको हम ठंडा करके पीस लेंगे, बिल्कुल पाउडर बना लेंगे इसका। नेक्स्ट हम एक कढ़ाई में 2 चम्मच डालेंगे ऑयल। ऑयल गर्म होने जाने पे हम इसमें डालेंगे 1 लार्ज साइज का प्याज और फाइनली चॉप्ड किया है, इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। प्याज को बिल्कुल गोल्डन फ्राई करना है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट, इसे भी हम 2 मिनट तक भूनेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। और इसमें एक मीडियम साइज का टमाटर ऐड कर देंगे। जैसे ही हम टमाटर डालेंगे इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, थोड़ा सा पानी डालेंगे। उसके बाद हम इसे 5 से 7 मिनट तक इसे मीडियम फ्लेम पे इसे पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि हमारा टमाटर और मसाला अच्छे से भुना जाए। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से मसाला में से तेल छूट चुका है, यानी कि मसाला अच्छे से फ्राई हो चुका है। नेक्स्ट हम एक अगले कढ़ाई में 2 चम्मच तेल गरम करेंगे, उसमें हम जो भी सब्जी डालना है डालेंगे। यहाँ मैंने आलू लिया है, एक थोड़ा सा शिमला मिर्च, थोड़ा सा मटर और गोभी लिया है 1 कप। आप इसमें बीन्स, बंदा गोभी, जो भी आपका पसंद का सब्जी हो वो ऐड कर सकते हैं। चाहे तो आप यहाँ पे पनीर भी इसमें मिला सकते हैं। सब्जी को हमें अच्छे से फ्राई करना है। अब ढक्कन लगा के इसे थोड़ा देर पकाएंगे ताकि वो गल जाए। और शिमला मिर्च हम इसमें लास्ट में डालेंगे क्योंकि इसे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होती है। सब्जी को अच्छे से फ्राई करेंगे 7 से 8 मिनट तक। अब हमने जो कढ़ाई मसाला बनाया था उसे इसमें ऐड करेंगे और इसके बाद अच्छे से यहाँ पे भूनेंगे मीडियम फ्लेम पे ताकि सब्जी में अच्छे से मसाला कोटिंग हो जाए। अच्छे से पूरे भूनना यहाँ पे अच्छे से बहुत ज़रूरी है। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से। और जो हमने प्याज टमाटर अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया था वो डाल देंगे इसमें। मसाला तो हमारा बिल्कुल भून के तैयार है, इसलिए इसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे 2 से 3 मिनट तक। थोड़ा सा पानी डालेंगे और 2 से 3 मिनट तक इसे हम मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि सारा मसाला सब्जी में मिल जाए और जो भी थोड़ा सा कच्चा है सब्जी वो पक जाए अच्छे से। उसके बाद अब लास्ट में हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच कसूरी मेथी और इसमें 1/2 कप डाल देंगे क्रीम। क्रीम चाहे आप दूध का मलाई भी ले सकते हैं, लेकिन क्रीम डालना बहुत ज़रूरी है। इससे बिल्कुल क्रीमी टेस्ट आ जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। उसके बाद ये बिल्कुल रेस्टोरेंट टाइप का फ्लेवर देगा। क्रीम डालने के बाद हम फिर सिर्फ 1 मिनट पकाएंगे ढककर और थोड़ा सा ऊपर से हम धनिया पत्ते डाल देंगे। ये हमारा मिक्स वेज कढ़ाई बिल्कुल रेडी है। आप इसे रोटी के साथ, पराठा के साथ, नान के साथ सर्व करें, बहुत ही टेस्टी लगता है।